की शिक्षक जितने की जो अपने 35 और 30 ईयर जिसने कंट्रीब्यूशन किया, यदि आप उसको आवर्स में काउंट करेंगे तो जाने कितने लाख आवर्स हो जाएंगे जिन्होंने इस देश के लिए, इस देश के यूथ के लिए कंट्रीब्यूट किया। तो मैं जब भी शिक्षक को देखता हूँ तो मैं शिक्षक को शिक्षक के रूप में देखता केवल, क्योंकि शिक्षक और गुरु में थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसमें कहते हैं टीचर शिक्षक या गुरु में। तो हमारी संस्कृति में आप लोग जाके देखोगे ना, तो हमने कभी भी शिक्षक को शिक्षक नहीं माना, क्योंकि शिक्षक केवल वो होता है जो केवल पढ़ाता है और ज्ञान देता है और डिग्री दिलवाता है, लेकिन गुरु वो होता है जो कि ज्ञान के साथ में कि उसके अंदर संस्कार और परंपराएं देता है। अब थोड़ा सा भारत की संस्कृति में जाके देखो कि हमने क्या बोला कि गुरु गोविंद दो खड़े ताकि लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। फिर इसी बात को हमने शास्त्रों में बाद में कैसे उतारा कि गुरु ने ब्रह्मा, गुरु ने विष्णु, गुरु ने देवो महेश्वरा, गुरु ने साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मय श्री गुरु वे नमा। तीन जिन्हें कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उसकी बजाय आप गुरु की पूजा करते हो, तो इस तीनों आपको ऐसी अच्छी हो जाओ। थोड़ा सा प्रेजेंट और प्रेजेंट में जब हमारे महाभारत में देखिए कि एक रुपये की कहानी देखिए, मतलब गुरु की इम्पोर्टेंस की, उसको गुरु ने शिक्षा नहीं दी, उसने केवल गुरु की तस्वीर बना ली और उसके बाद वो कहीं ना कहीं अर्जुन से भी बेस्ट धनुर्धर हो गया। मतलब गुरु की शिक्षक की और गुरु की इम्पोर्टेंस यदि रियली में फील करोगे कि केवल क्लास में नोट्स बनाने पढ़ने आवली देने के बाद वो खत्म हो गया, उससे नहीं मिलना, उसकी इम्पोर्टेंस। तो उसके बाद देखिए, जब मैंने कहा ना कि गुरु और शिक्षक में क्या डिफरेंस है, कि जब महाभारत चल रही थी तो श्री कृष्ण भगवान ने युद्ध रोक के गुरु द्रोण को बड़ी अच्छी बात कही थी कि उस जगह की गुरु द्रोण और जो गुरु द्रोण का पुत्र था अश्वत्थामा, कि अश्वत्थामा के बारे में समय पता है कि उसमें थोड़े से संस्कार कम थे, उसके उसको उसके अंदर अपार शक्ति थी, लेकिन थोड़े से उसमें बोलने का तरीका, महिलाओं से बोलने का तरीका या अपने भाइयों से बोलने का तरीका, श्री कृष्ण भगवान उस समय उनसे बोलते हैं कि गुरु द्रोण कि आपने अपने पुत्र को शिक्षा तो दी लेकिन आपने कभी उसको संस्कार नहीं दे पाए, इसलिए आप अपने पुत्र के लिए केवल एक शिक्षक बन पाए, कभी भी उसके लिए गुरु बन ही नहीं पाए। तो इसका मतलब कि शिक्षक केवल अपने टीचर स्टूडेंट को केवल कहते हैं कि किताबी ज्ञान पढ़ाता है, इसके अलावा जो चीज़ देती है, ये हमारी भारतीय संस्कृति भारतीयता ने हमेशा से अपनाया। जब भी हम अर्जुन का आप वर्णन देते हैं, आप बोलते हैं कि गुरु द्रोण शिष्य अर्जुन, कभी भी उसको सिंपल अर्जुन टेक नहीं बुलाते। थोड़ा सा और प्रेजेंट में आगे देखो कि चलो कुछ लोग इस पर विश्वास भी नहीं करते होंगे, रामायण हुई महाभारत हुई, थोड़ा सा और पहले आ जाओ, जब सिकंदर भारत में आ रहा था तो उसके गुरु ने कहा अरस्तु ने कि जब तू भारत में जाए तो चंद्रगुप्त से चाय वाली लड़ लेना, लेकिन एक इंसान है जो तू उसके आगे मत आना, तो वह गुरु चाणक्य है। फिर उसको पता है कि जो गुरु चाणक्य है जिसने कि ये चंद्रगुप्त का के बारे में पढ़ा होगा क्या था वो, तो उसको वहां से भारत का अखंड सम्राट बनाया। तो गुरु की इम्पोर्टेंस और चलिए जिसने स्क्रीन में देखी, थोड़ा सा और पहले आ जाते हैं स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के गुरु। स्वामी विवेकानंद जी थे, उनके इंटेलेक्चुअल के आगे रामकृष्ण परमहंस कुछ भी नहीं थे, उसके बावजूद जब स्वामी विवेकानंद जी हमेशा देखते हैं अपने गुरु के बारे में तो कहते हैं कि यदि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के ज्ञान को यदि मैं शब्दों का रूप दूं तो शायद इस विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बन सकती है। कि जब मैं शिकागो में मैं भाषण दे रहा था तो स्टार्टिंग में जाती मेरा नाम है नाम हुआ तो मेरी जीभ लड़खड़ा गई, लेकिन जब मैंने आँख बंद करके अपने गुरु को देखा तो मैंने उस समय क्या बोला मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे जब मेरे एक वर्ड बोलने के लोगों की 10 मिनट तक की तालियां बजी तब मुझे पता चला। तो गुरु की इम्पोर्टेंस बड़ी होती है, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण है ना वो रियल में गुरु के हाथों में डिपेंड करता है, राष्ट्र का पतन भी गुरु के हाथों में डिपेंड करता है। सोचिए कि गुरु के द्वारा कहे गए कुछ शब्द एक ही इंसान को भगत सिंह बना देते हैं, उसको राष्ट्र के लिए समर्पित कर देते हैं, और दूसरे गुरु के द्वारा अपने शिष्य को कहे गए शब्द उसे राष्ट्र के लिए कभी कहते हैं कि कसाब बना देते हैं, कभी अफजल गुरु बना देते हैं। जब भी शिक्षक की इम्पोर्टेंस है कि सबने जो भी कंट्रीब्यूट किया, मैंने यहाँ से एमएससी नहीं की, मैंने सबसे कोर्स नहीं पढ़े, बस मैंने सबको अपने एडवाइजर सर के चैम्बर में ही कई बार बात करते देखा है, लेकिन जो सबने कंट्रीब्यूशन दिया 30 ईयर्स में, इस कंट्रीब्यूशन को ये घंटा आज हम यदि दे रहे हैं सर के लिए, तो इस कंट्रीब्यूशन को पहचानना बड़ा जरूरी है यहाँ से जाने के बाद, कि जो सबने कंट्रीब्यूट किया है तो वो आपको अपने अंदर धारण करना है। क्योंकि गुरु की जो असली सफलता होती है तब होती है कि जब उसका स्टूडेंट कहीं पहुँच जाए। सावला सर कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि जब भी टीचर से होता है तो स्टूडेंट का सुबह सुबह कॉल आता है रामालक्ष्मी बैंक का जो कि ARS है, तो इन सर को खुशी तब होती है कि जब उनको पता चलता है कि वो स्टूडेंट ARS बन गए, वो सर को कॉल करते हैं। तो जितने भी टीचर्स हैं तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है उनको रियल में खुशी तभी होती है जब आप लोग अच्छा अचीव करते हैं। जहाँ तक ARS की बात है तो इसलिए मैं आप लोगों से एक ही चीज कहूँगा कि लाइफ में कैसी भी कंडीशन आ जाए, जिसमें मेरे से मैंने कई बार ये बात बोलता हूँ कि मैं कैसा यूथ देखना चाहता हूँ, मैं कैसे युवा देखना चाहता हूँ,
तो मैं ऐसे युवा देखना चाहता हूँ जिसके जिंदगी में कितनी भी परेशानी आ जाए, तो वो घुटनों के बल गिर जाए लेकिन किसी का सहारा नहीं मांगे, वो अपने स्माइल के साथ बस एक ही चीज कहे कि हाँ मैं खड़ा हो जाऊंगा। देखो क्या होता है कि JRF की तैयारी करते हैं, JRF में अच्छी रैंक, जैसे अभी नेट रिजल्ट आया, कम से कम मेरा दो दिन तो मेरे कुछ दोस्तों को समझाने में गए कि मतलब कोई टेंशन नहीं, नेट में नहीं हुआ था, कोई टेंशन आने आया स्क्रीन में नहीं हुआ था, दो दिन तो मुझे समझाने में गए। लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है कि जब आपको लोगों को समझाना पड़ रहा है, क्योंकि जो JRF मैंने चार बार JRF दिया, मैंने सेकंड ईयर में दिया, थर्ड ईयर में दिया, फाइनल ईयर में दिया, IRI जाना था, बहुत पीछे रहेगा 116 है, फिर MSC फर्स्ट ईयर में गया बुला में, फिर वहाँ पे फिर मैंने JRF दिया, उस साल तो मैंने सामान पैक कर लिया था कि अब मुझे जाना ही है, तो फिर मैंने दिया तो 113 रैंक, बहुत पीछे। सेकंड ईयर में मैंने SRF दिया कि SRF से लेना है, लेकिन सेकंड ईयर में SRF नहीं मिला, IRI PhD दिया नहीं मिला, PhD फर्स्ट ईयर में आया, मैंने फिर SRF दिया और फिर IRI PhD दिया, लेकिन उस साल भी फिर इंटरव्यू में बाहर और SRF फिर पीछे रहे। लेकिन बात ये थी जो इन चीज़ ये चीज़ जो जमा हो रही थी मेरे अंदर कि वो कहीं ना कहीं तो चार पांच बार CSIR भी दिया, CSIR भी नहीं, लेकिन जो इन चीज़ ये चीज़ जो जमा हो रही थी वो एक साथ कहते ना कि किसी एक एग्जाम में काम आ गए। तो बस जैसे कुछ लोग मैं देखता हूँ JRF में तो इतने डिप्रेशन में कि MSC फर्स्ट ईयर में आते हैं तो केवल अपने जूनियर से बोलते हैं कि जेनेटिक्स में एडमिशन नहीं लेना है, प्लांट साइंस से तैयारी नहीं करनी, सॉइल साइंस से कर लो, एक्सटेंशन से कर लो, बड़ा ईजी है। तो एक दो बार कहते हैं कि यदि एक दो बार असफलताओं से निराश हो जाते हैं तो फिर हमें ये बड़ी बड़ी कहानियां जो हम पढ़ते हैं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र, थॉमस एडिसन, ये हमें बंद कर देनी चाहिए पढ़ना, क्योंकि अब्दुल कलाम कहते हैं, आप खुद कहते हो कि रोड की लाइट में पढ़ते थे, लेकिन जब अपनी जिंदगी में इसको अपनाने की बात आती है तो खत्म। केदारनाथ की घटना होती है तो सबसे पहले हम लोग अपने घर भागते हैं, लेकिन हमेशा से स्कूल में पढ़ते हैं कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन जब अपने ऊपर अप्लाई करने की बात आती है तो हम एकदम फिस, दूसरों को मोटिवेट करते हैं लेकिन अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है तो वहां पे फिस। तो इसलिए ये चीज अपने उसमें कर लें कि कितनी भी असफलता आ जाए, और ये रियल फैक्ट है। मैं अकोला में गया, मेरा 15 में बीडी में एडमिशन हो रहा था, मुझसे बहुत कुछ कहा सीनियर्स ने कि हमारा JRF लगा, हमने 15 नहीं छोड़ा तो अकोला क्यों जा रहा है, लेकिन उस समय मुझे पता था क्या कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन तुम्हें अपने डिसीजन को बेस्ट बनाना होता है बस, चाहे उस समय लोग कहेंगे थोड़ी देर के लिए। और एक हमेशा कि जब भी आपने यदि देखो दो चीज होती है जो साइंस लिए, तो या तो आपको माइंड जबरदस्त होना चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए या अम्बानी टाइप का काम कर सको, वो तो पॉसिबल है ही नहीं, और जो कर सकते हैं अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस से कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने दिमाग में एकेडमिक एक्सीलेंस तो रखना ही है, और वो एकेडमिक एक्सीलेंस किस रास्ते के थ्रू आना है ये आप डिसाइड करेंगे, लेकिन एकेडमिक एक्सीलेंस अचीव करना है। यदि आपके दिमाग में, मैंने MSc में एग्रीकल्चर AO का फॉर्म भरा, थोड़ी प्रॉब्लम आई घर में, लेकिन मैंने AO का फॉर्म दिया, एग्जाम दिया, एक मॉनसेंटो कंपनी आई थी, मैं बैठा नहीं क्योंकि मुझे लगा था यदि मेरा AO में हुआ तो शायद मैं जा सकता हूँ उसमें छोड़ के, तो मुझे उस वो रखना ही नहीं था अपने रास्ते में। कहता चाणक्य के कहता था कि अपने सफलता के रास्ते में जो चीज है उसको खत्म ही कर दो, बिल्कुल सबसे अच्छा तरीका सफल होने का। तो इसलिए चार पांच बार, दस पांच बार भी प्रॉब्लम्स आए तो प्रॉब्लम्स को अपनी अपॉर्चुनिटी की तरह लो, उन अपॉर्चुनिटी को लेकर आगे बढ़ो। इसका मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस एग्जाम में जैसे मैंने देखा कि ARS में कि मेरे से 50 सीनियर्स को मैं ऐसे जानता था तो रियली में फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक के लिए वो कंपटीशन कर रहे थे, लेकिन बस मुझे एक ऐसी चीज आइडेंटिफाई करनी थी कि जो मुझे इसमें अचीव करा थी, क्योंकि मेरे कंसेप्ट इतने क्लियर नहीं थे। मैंने एक सीनियर से पूछा था मैं क्या करूँ मेंस में, तो उन्होंने एक महीने पहले मुझसे एक बात कही यार तू ने थीसिस तो लिखी है MSc में, यस सर, तो तू आंसर लिख के आए वो थीसिस के फॉर्मेट में लिख के आना, बस वो बात मेरे दिमाग का घर कर ली। तो मैंने वहाँ पे थ्रू आउट 26 क्वेश्चन लिखे, वहाँ पर जैसे हम थीसिस में कुछ भी लिख रहे हैं, हम एट्रोसिस लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में सल कोमा 1940 लिख देते हैं, जब उसके रिव्यू लिटरेचर पे आते हैं तो जो थ्योरी किसी साइंटिस्ट ने यूज किया है, रिसेंटली साइंटिस्ट रिपोर्टेड प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन जिसको, तो जब मैंने एक महीने पढ़ाई करी तो जब भी मैं वहाँ पर देखता था बुक में ठीक ही होता है कि पढ़ रहा हूँ कि वीक वाले एडिशन लाइन पढ़ रहा हूँ, तो सब पढ़ते हैं वीक वाले एडिशन लाइन कैसे पढ़ती है या बात, तो लेकिन किसी को ये नहीं पढ़ता कि इस्लाम ने बनाई थी, मोनोसोमिक सब पढ़ते लेकिन टोबैको में किसने बनाया, कॉटन में किसने बनाया, सारी सीरीज आप साथ में याद कर लीजिए। जब आप आंसर वहाँ पे लिख रहे हैं तो आपने कुछ भी लिखा, आपने लिखा रिकंस्ट्रक्शन तो GC तो ब्रैकेट में जैकिंग 1940 लिख दी थी, तो थ्रू आउट मेरे 26 क्वेश्चन कम से कम 200 साइंटिस्ट यूज किए, और जब क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया तो एक रेफरेंस मेरे दिमाग में था, मतलब कुछ चीजें मैं तैयार कर रखी थी कि मैंने प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन पढ़ा चारों से बुक से, तो कुछ साइंटिस्ट मुझे याद थे कि इसने प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन यूज किया, रिकरेंट सिलेक्शन GCSE पढ़ा तो मैंने याद किया कि ऑयल कंटेंट किसी इंग्लैंड में इसको पढ़ के इतना पढ़ाएगा, जो भी क्वेश्चन का आंसर खत्म हुआ था उस समय की डिसेंट साइंटिस्ट रिपोर्ट है। बस मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इस बार इतना अच्छा अचीव होगा, रैंक आई फोर्थ तो लोगों ने कहा कि अच्छा बोलता है कि इंटरव्यू में सारे अच्छे मार्क्स आए होंगे, मीन्स भी आए होंगे, मुझे भी रियल में ऐसा लगा कि इंटरव्यू में मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन जब इंटरव्यू का रिजल्ट आया तो इंटरव्यू में मेरे मार्क्स कम थे, जब देखा तो मेरे केवल मीन्स की वजह से सिलेक्शन हुआ।
तो इसलिए आपको देखो हर किसी के अंदर यूनिकनेस होती है, बस उस यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करो कि जो आपको हजारों की लाखों की भीड़ से अलग कर देगा, वो यूनिकनेस आपको पहुंचाएगा, वो हर किसी के अंदर होती है। लेकिन तरीका कोई ये तरीका नहीं है, कई सारे तरीके हैं आपको आंसर लिखने के कि वहाँ पे जैसे भी कोई भी क्वेश्चन आया उसका कैसे लिखना, लेकिन यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करो और थ्रू आउट द पेपर पूरे मेंस का जब लिख रहे हो तो उस चीज को जरूर लिखो, क्योंकि पहले क्वेश्चन में यदि वो आपसे इंप्रेस हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि 25 क्वेश्चनों में आपकी एकदम बाजी लग गई। इसलिए सबसे लास्ट में जाते ये कहना चाहूँगा, तो टीचर की बताया कि मैंने तो कहते ना कि मेरी लाइफ में तो लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, मैं इतनी हेल्प की है, जैसे मेरे साथ इतने सारे दोस्त बैठे हैं, नाम लोगों का फाइनेंशियल इसे लेके कई बार कॉन्फ्रेंस में रजिस्ट्रेशन कराया आज तक मुझसे पैसा नहीं मांगा, कई बार ट्रेन में रिजर्वेशन कराया आज तक मुझसे पैसा नहीं मांगा, ARS के फॉर्म से लेके आपको रास्ते में जब भी आता था कहीं भी जाता था, और मतलब किताबों से लेके किताबों की फोटो कॉपी कराने से लेके नोट से लेके जो इन मेरे फ्रेंड्स ने कंट्रीब्यूट किया है, मेरे साथी लड़कों ने मेन्स के समय कुछ लिंगर टैक्स बना के लिखी 5,000 इन लोगों की वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि कभी भी कुछ भी हो जाए, एक बार 11 में नहीं हुआ, 11 में नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ तो घबराए नहीं, उसी जोश के साथ दुनिया जोश के साथ में आगे बढ़े, क्योंकि जो लोग टॉप करते हैं वो इसलिए टॉप नहीं करते, वो मेहनत करते हैं, वो इसलिए टॉप करते हैं कि नीचे वाले लोग खुद हार मान जाते हैं। इस बात को यार 3